हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो सलवार की लास्ट सिलाई जो हम लगाते हैं वो फिनिशिंग के साथ कैसे लगाते हैं ये आपको हम बताएंगे। ये देखिए, यहाँ से अगर ये सिलाई सही तरह से ना लगे तो यहाँ पर नोक सी निकल आती है इसके ऊपर, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए जी, हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सलवार की मोहरी बना ली है, पूरी सलवार जो है रेडी कर ली है, इसकी बस लास्ट सिलाई हो रहती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यह सिलाई कैसे लगाते हैं। नॉर्मली जो हम सिलाई लगाते हैं, एक तो मैं जो सही नहीं है तरीका वो वाली लगा के दिखाऊँगी, और एक जो सही तरीका है वो लगा कर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर हमें मोहरी रखनी है 6.5 इंच, 6.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे ऐसे, और नॉर्मली जो हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं वो हम ऐसे सीधी ही सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे सीधे ही ऐसे चली जाती है वो सिलाई। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, और ये सिलाई मैं बड़े बखे से लगाऊँगी क्योंकि बाद में मुझे ये सिलाई जो है निकालनी होगी, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। ऐसे ही हम देखिए ऐसे ही निकाल देते हैं ये सिलाई, यहाँ तक ही लगाऊँगी मैं ये सिलाई, और दूसरी भी मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। ये सलवार का दूसरा पोंचा है, और इस पर भी हम 6.5 पर निशान लगा लेंगे नीचे से। और अब देखिए नीचे से 6.5 इंच है, और ऊपर तक हम ऐसे सीधी नहीं लाएंगे, इसको स्ट्रेट सी लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए, जैसे आप मान लो नीचे से 6.5 है तो ऊपर 8 इंच आएगी, 1.5 इंच आप बढ़ा के वहाँ पर एक निशान लगा लेना। तो पहले हम वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए, पहले हम इस निशान तक आएंगे जो हमने 8 इंच तक लगाया था, और यहाँ तक आने के बाद अब हम ऐसे ही तिरसी जो सिलाई ऊपर तक लगा देंगे। और आसन पे सिलाई कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और यहाँ से ये सीधी चली जाएगी सिलाई। और ये सिलाई लगाते समय आप पीछे से थोड़ा सा कपड़ा खींच लें, तो नहीं तो जो है सिलाई बाद में मतलब टूट जाती है जब हम मशीन में जो है कपड़ा वॉश करते हैं। तो इसे थोड़ा सा पीछे से खींच लें आप सिलाई लगाते वक्त इस तरह से। और यहाँ पर मैं आपको दोनों मोहरी सीधी करके दिखाती हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये देखिए, बिल्कुल भी नोक नहीं निकली है इसके ऊपर, फिनिशिंग के साथ लगी है। और ये देखिए इस पर, ये देखिए वो नोक सी निकल आई है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी आप सिलाई लगाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जितनी आपने मोहरी रखनी है नीचे से, उसे 1.5 इंच यहाँ तक मोहरी बनी है वहाँ तक रखनी है, 1.5 इंच ज़्यादा ले लें आप ऊपर तक, वहाँ तक पहले सिलाई लगाएं, उसके बाद आगे सिलाई लगाएं। तो चलिए हम इसकी सिलाई जो है कंप्लीट कर लेते हैं। और ये देखिए, दूसरी मोहरी की सिलाई भी हमने लगा ली है, और जो पहले मोहरी की सिलाई लगाई थी वो हमने आसन तक ही छोड़ दी थी, और ये हमने दूसरी भी लगा ली है सिलाई पूरी। पहले जो हमने ये सिलाई यहीं छोड़ दी थी, अब ये सिलाई हम इसे ऊपर तक ले जाके इस सिलाई को डबल कर देंगे। यहाँ पर डबल सिलाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, आसन पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। हाँ, एक आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप सिलाई लगाएं तो आप नीचे से ही शुरू करें, मोहरी से दोनों तरफ ही, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाएगा वो ऊपर जो है एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी सलवार जो है कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।